हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़रूरी वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज गूगल एडसेंस के एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में। गूगल में अपना एड्रेस वेरीफाई कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप गूगल के एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई नहीं कराते हैं, तब तक और दूसरा कारण होता है एड्रेस वेरीफाई कराने का, गूगल आपको उस नाम पर कभी भी दूसरा अकाउंट नहीं बनाने देगा अगर ये अकाउंट किसी वजह से आपका सस्पेंड हो जाता है। तो जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं, गूगल आपको एक पिन भेजता है। वो पिन अगर 4 हफ्तों तक आपके पास नहीं पहुंचता है तो आपको क्या करना है, यही जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे अगर हमारे पास 4 हफ्तों तक हमारे पास भेजा हुआ पिन हमारे एड्रेस पर हमारे पास नहीं पहुंचता है तो हमें उसके बाद क्या करना है अपना एड्रेस को गूगल एडसेंस में वेरीफाई करवाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए सुरेश कुमार शर्मा चैनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाइए इस घंटी को, ये बिल्कुल फ्री है। तो न्यू पिन जनरेट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है गूगल एडसेंस और उसमें साइन इन कर आ जाना है उसके होम पेज पर। जैसे कि हम आप आ गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर रेड लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ आ रहा होगा जब आपके अकाउंट में $10 आ जाएंगे तब कि आपकी पेमेंट को होल्ड किया गया है क्योंकि अभी आपने अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं करवाया है। तो अपना एड्रेस वेरीफाई करवाने के लिए जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस आपको एक पिन भेजता है पोस्ट के द्वारा जो आपने एड्रेस गूगल एडसेंस में दिया है उस एड्रेस पर। 3 से 6 हफ्तों के अंदर पिन आपको मिल जाती है तो आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपको पिन नहीं मिलती है तो आप एक और नई पिन जनरेट कर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि गूगल आपको दोबारा पिन भेज दे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये आपको 3 बार ही जनरेट कर 2 बार ही जनरेट करने को मिलती है। गूगल आपको 3 बार ही पिन भेजता है। अगर 3 बार भी नहीं मिलती है तो उसके बाद आप अपनी आईडी के द्वारा, चाहे आपके वोटर आईडी के द्वारा या आधार कार्ड के द्वारा या पैन कार्ड के द्वारा कोई भी फोटोकॉपी देकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपके पास पिन नहीं आई है, आपको नई पिन जनरेट करनी है, तो उसके लिए आप इस रेड लाइन में राइट साइड में देखेंगे एक्शन लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए एक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो आपने गूगल एडसेंस में एड्रेस दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपका पूरा एड्रेस आ रहा होगा। यदि आपको लगता है कि आपका ये एड्रेस गलत है तो आप इसको पिन जनरेट करने से पहले इस एड्रेस को चेंज करके ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजिए। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अगर आपके पास पिन नहीं पहुंचा होगा और 3 से 6 हफ्ते हो गए होंगे तो आपको दूसरा पिन जनरेट करने का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, रिक्वेस्ट न्यू पिन। और यदि आपके पास पिन आ गया है तो आप ये ऊपर बॉक्स में डाल सकते हैं जहाँ पर लिखा है एंटर योर पिन। तो अब आप नई पिन जनरेट करने के लिए आप इसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नई पिन को इस एड्रेस पर ही मंगवाना चाहते हैं, तो आप मंगवाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। वापिस ये हमें होम पेज पर भेज देगा और हमें अब 5 से 7 दिन के अंदर अंदर गूगल एक नया पिन भेजेगा इसी एड्रेस पर। वो भी अगर 3 से 6 हफ्तों के अंदर आपको नहीं मिलता है
तो आप तीसरी बार फिर से एक पिन के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर तीसरी बार भी नहीं मिलता है तो आपको फिर गूगल एडसेंस पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट अगली बार आपको वीडियो डाल के दूंगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें देखकर अपना वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड की फोटोकॉपी से अपना एड्रेस वेरीफाई करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।